असलम विवर्स कैसे हैं आप सब आए हो कि आप सब लोग खुशपाश होंगे और खैरियत से होंगे तो आज का पूरा दिन मेरा किचन में किस तरह गुजरा आज ब्रेकफास्ट भी आपसे शेयर की जाएगी लंच भी शेयर किया जाएगा हमेशा की तरह खाना पीना सारा ही शेयर किया जाता है आपसे तो आज के दिन भी आपसे यही चीज़ें सारी शेयर की जाएंगी क्योंकि किचन की पहले सफाई करूँगी पहले मैं सुबह उठी हूँ चाय पिए चाय पीने के बाद अभी मैंने जो है जिसे कहते हैं ना नाश्ता बिल्कुल नहीं अभी बनाया और पहले ही किचन साफ़ करने लगी क्योंकि आज आज से काफ़ी चीज़ें शेयर करनी है ना इसी वजह से किचन की सफ़ाई ज़रूरी है सबसे पहले तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें साफ़ करके उसके बाद फिर आपसे चीज़ें बाकी की सारी वीडियो जो है वो शेयर करूँगी तो अभी हम किचन की सफ़ाई हैं हमेशा की तरह रोज़ाना हाथ मारती हूँ साफ़ करती हूँ इससे ये होता है कि हमारा जो किचन है वो साफ़ ही रहता है तो इसकी सफ़ाई करने के बाद सारी किचन की उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है बैंगन वगैरह छील लिए थे नाश्ता अमूमन हम लोग लेट करते हैं ये हमेशा से है कि हम लोग नाश्ता उठते के साथ ही नहीं करते सब्जी सारी हमारी फ्रिज में पड़ी हुई थी तो वह बैंगन के दही वाले बैंगन बनाने थे गर्मियों में ये रेसिपी हमारे घर में बहुत बनती है दही वाले बैंगन दोपहर के टाइम हम लोग बहुत बना के खाते हैं तो बस वही मैंने काटे थे एक ज़रा कीड़े वाला निकला था तो वो मैंने ना रंग जिसे कहते हैं ना बेढंगे शेप में काटना वो बेढंगे शेप में मैंने काटा तो खैर हमने गोल्डन ब्राउन ही करना है कोई मसला नहीं है पेट में ही जाना सब कुछ तो साथ ही माश की दाल आज मैंने बनाई तो उसको भी मैंने भिगो दिया चुन के अच्छे से धो के तो साथ अब हम ब्रेकफास्ट अपना यहाँ पर रेडी कर रहे हैं सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी क्योंकि वो अंडा और ब्रेड खाती है तो उसके लिए पे यहाँ दो पराठा भी खा लेती कभी कभी तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेड अगर पड़ी हो तो फिर ब्रेड ही उसे फ़्राई करके दे देती हूँ तो बस दो पीस उसे ब्रेड के फ़्राई करके दूंगी और कल की जैसे कि मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी तो कल हमने चिकन का सालन बनाया था आलू गोश् का सालन बनाया था बस वही बचा हुआ था वही मैं आलू गोश आज अपने नाश्ते में ले लूँगी और उसके लिए मैंने ब्रेड और फ्राई अंडा बना लिया आज का अंडा मेरा कुछ खास अच्छा नहीं बना अब यह है कि मौसम कुछ कदरे बेहतर हो गया है लाहौर का वनना बहुत ही शदीद गर्मी स्टार्ट हो गई थी यानी कि अप्रैल मार्च मार्च में ही जून की गर्मी स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था तो इसी वजह से फिर अब थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो आज मैंने फिर अंडे का नाश्ता जो है उसे दिया है, वरना तो लस्सी वो पी रही थी और हम लोग जो हैं बहुत ही परेशान हो रहे थे कि इस गर्मी ने अभी से एक अंत मचा दी है तो आगे जाके ये क्या हाल होगा लेकिन फिलहाल अब दो तीन दिन से बहुत अच्छा लाहौर का मौसम हो रहा है कुछ हल्के हल्के बादल भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन शाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा और रोज़ेदारों को परेशान नहीं होना चाहिए इनशा इन शाह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरेगा अप्रैल में रमज़ान जैसे कि आ रहा है तो इन एक आधी बारिश होने के बाद बहुत ही अच्छा रमज़ान हो जाएगा तो सभी इन शाह रमजान के रोज़े जो हैं वो आसानी से रख सकेंगे तो ऐसा है कि अब ब्रेकफास्ट ये वाला तो रेडी हो गया अब मैंने फ्रिज से लेकर आई हूँ आलू गोश का सालन उसको मैं अपने लिए कांच के बर्तन में रख लेती हूँ कि ओवन में रखे आराम से गर्म हो जाता है पहले तो स्टील का या Uh, कोई भी बर्तन होता था उसमें मैं सालन निकाल के रख देती थी लेकिन अब मुझे कांच के घर के जितने बर्तन कांच के ना वो सारे मुझे निकालने पड़ते हैं उसमें सालन वालन जो भी बच्चे चावल वगैरह ना वो रख देती हूँ ताकि सुबह अगर गर्म करना हो या आधी रात को किसी को भूख लग रही हो तो आराम से गर्म हो जाता है तो अब ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो गया मेरी चपातियाँ भी बन गई हैं तो बस हमने जैसे ही नाश्ते से मैं फारग हुई तो बस यहाँ पर फिर मैंने दोपहर के खाने का जो है ना सारा दोपहर का खाना जो भी हम बना रहे हैं उसकी चीज़ें की कटिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं जो है ना माश की दाल में बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालती अगर मैं बहुत ज़्यादा प्याज हम लोग डाल लेना तो माश की दाल इतनी मज़े की नहीं बनती और मीठी मीठी बनती है थोड़ा टमाटर उसमें बेशक डाल डालने डाल लें ज़्यादा से मुराद इतनी भी ज़्यादा ना डालें मैंने एक कप माश की दाल ली थी पूरा एक कप भर के उसमें फिर मैंने आपके सामने टमाटर काटे और ये वन एंड हाफ छोटी सी हाफ बल्कि एक एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है उसको मैंने बारीक काट लिया ठीक है तो कटिंग भी हो गई सब्जियों की सारी कुछ सब्ज़ियाँ मैंने पहले से काट के रख ली थी दाले दाल पहले से भिगो के रख ली थी अब मैं नाश्ते के बाद वाली जो चाय पी रही हूँ उसके साथ साथ यहाँ पे जो लंच है उसको भी रेडी करना है हमने क्योंकि टाइम इतना हो ही जाता है बीच में भी इधर उधर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर लेता है इंसान तो लंच बनाने का भी टाइम आ जाता है तो यहाँ पे माश की दाल बना रही हूँ यहाँ माश की दाल भिगो के जो रखी है वो अभी तक फूली नहीं है वजह क्यों नहीं फूली वजह क्यों नहीं फूली यानी मुझे पता क्यों नहीं फूली फूलने का वेट कर रही हूँ ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए एक दो बाले में ये सॉफ़्ट हो जाती है जितनी अच्छी ये फूल जाए जितनी अच्छी भीगी भी हो ना दो तीन घंटे भीगी हो तो बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है तो चलो खैर नहीं फूलती इतनी देर में मैं जो माश की दाल का मसाला है उसे रेडी कर लेती हूँ मिर्च नमक वगैरह डाल के इसे अच्छे से रेडी किया इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी ज़रूर सेंड कर दूँगी अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है वीडियो को ढूंढना पड़ता है बड़ा चले तो मसाला भून गया अच्छे से तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और सॉफ्ट करने रख देंगे टमाटर और प्याज को क्योंकि टमाटर प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो समझे मसाला हमारा रेडी हो गया बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता और देश, पे, देश के के ऊपर भी डिपेंड करता है इसमें बहुत अच्छी जो है ना भाप बनती है बहुत अच्छे मसाला हो जाता है तो बैंगनों को भी बहुत अच्छे से निचोड़ूंगी जब तक हमारा माश की दाल का मसाला अच्छी तरह गलता है तो इस तरह की जो है ना जब रेसिपी हमारे घर में बन रही हो जैसे कि माश की दाल और जो क्या है बैंगन दही वाले बैंगन तो कुछ ना कुछ शाम को जरूर बनाना होता है बच्चे कुछ ना कुछ, कुछ ज़रूर मांगते हैं तो यहाँ स्ट्रॉबेरी शेक बनाना था इसकी रेसिपी आपसे शेयर करनी थी तो मैंने निकाल के रख लिया तो अब मैं क्या लेने आई हूँ फ्रिज में कुछ तो लेने आई हूँ फ्रिज में क्या लेने आई हूँ देखती हूँ हाँ लीमू लेने आई हूँ स्ट्रॉबेरी शेक की रेसिपी मैंने शायद बनानी थी तो अभी तो नहीं बनानी खैर वो रेसिपी शेयर करनी थी उसके लिए मैं एक अदद लीमू भी यहाँ से लेके जा रही हूँ इसलिए कि वो स्ट्रॉबेरी जैसी मेल्ट होती है बहुत ज़्यादा वो हार्ड हुई हुई बर्फ़ फ्रीज की भी थी कल की कल बुध वाला दिन था तो मैं गई थी तो स्ट्रॉबेरी काफ़ी सारी लेकर आई थी जिसका शेक बनाना था वो मैंने डी फ्रीज़ कर दी थी तो अभी मैंने निकाली है जैसे ही मेल्ट होती है तो फिर इसको ये धुली हुई है बिल्कुल साफ़ है जैसे मेल्ट हो जाए तो इसको वैसे ही हम ग्राइंड कर लेंगे कोई ज़रूरत नहीं है इसे धोने की दोबारा और दूसरी बात ये ढाक के रखी हुई थी मैंने अच्छा अब माश की दाल का मसाला रेडी हो गया था तो मैंने माश की दाल भी यहाँ चढ़ा दी so रेसिपी जो होती है ना वो साथ साथ बहुत सी शेयर करनी होती है जो मैं साथ साथ कुकिंग के साथ साथ अपने घर के कामों के साथ साथ ना आपके साथ साथ बाकी चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ तो मैं बता रही थी यहाँ पे अभी खाना वाना सब रेडी हो रहा है साथ साथ दि, डी डिटॉक्स वाटर भी मैंने उसकी भी कटिंग कर ली थी चीज़ों की तो वो भी यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि ये डेली मुझे बेस पर बनाना होता है डेली रोजाना बनाना होता है रोज़ाना ये बना के फ्रिज में रख देती हूँ नेक्स्ट डे जो होता है सुबह मॉर्निंग में वो इसे छान के पानी को ले जाती है बाकी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं फिर नया बनाना पड़ता है सिरे से कांच के बर्तन में ही मुमन ये बनाना चाहिए या प्लास्टिक के बर्तन में बना लें और बनाते के साथ ही इसे फ्रिज में रख देना चाहिए उससे ये होता है अगर बाहर रखेंगे तो सब्जियाँ सड़ जाती हैं और आपके पानी में वो टेस्ट वो जायका नहीं आता लिहाजा जैसे ही कटिंग करके सब्जी डालें तो फौरन ही इसे फ्रिज में रख दें फ्रिज के निचले हिस्से में ठीक है और ये बहुत अच्छा सा इसका सारा जो अर्क होता है वो पानी में आ जाएगा और आपका पानी भी स्मेल नहीं करेगा और नेक्स्ट डे जो होता है ना ये सारा पानी बिल्कुल फ्रेश आपके साम सा, आ, आपकी बोतल में रहेगा तो वो कांच की बोतल तो नहीं लेती खैर प्लास्टिक की बोतल होती है उसमें ये डाल लेती है और सारा दिन इजीली उसका निकल जाता है और स्मेल भी नहीं करता पानी तो इस गर्मियाँ हैं गर्मियों में स्पेशली सर्दी हो या गर्मी हो दोनों ही सीज़न में ये डिटॉक्स वाटर बहुत बेस्ट होता है तो आप ये किसी भी मौसम में पी सकते हैं कोई इसके लिए ये नहीं है कि आप सर्दियों में नहीं पी सकते गर्मियों में पी सकते हैं आपके अंदर की हर चीज़ को साफ़ करता है आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है ये तो साथ में मैंने ये बनाने थे नूडल्स उसकी सब्जियां भी काट लीं गाजरें दो थी पड़ी हुई निकाल के जब मैंने देखी तो वो सारी की सारी, सारी सड़ गई थी गल गई थी फेंक दी मैंने कहा चलो अब वो गाजर के बगैर ही बना लूँगी तो ये मेरे हाथ में नूडल्स भी था हाथ में कैमरा भी था साथ साथ चीज़ें भी आपको दिखा रही थी तो खैर ऐसे ही मैं सारे अभी इसे दो हालांकि पीस करके मैं डालती हूँ लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही डाल देती हूँ फिर कैमरा साइड पे रख के कुछ करती हूँ इसको कैसे डालना है तो साथ साथ जो मैंने बैंगन बनाए थे फ्राई करके मसाला बना के रेडी करके रखे थे ना ये दोपहर में डेसी ये हम लोग गर्मियों में तकरीबन एक दिन छोड़ के तो जरूर बनता है तो उसका दही रेडी किया तो अब हम दोपहर का खाना खाने लगे भूत भूख बहुत लग रही थी सॉरी भूख बहुत लग रही थी और बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं नूडल्स बनाती थी खड़े होकर तो बस हम यहाँ खाना खाने लगे मैं सैलेड भी बना के रखी हुई थी दोपहर के खाने के लिए तो काफ़ी लेट भी हो गए थे यहाँ पे ये क्या है बुलबुलें देख रही है और साथ खाना खा रही है तो मैं भी अपने लिए अचार ले आई क्योंकि अचार माश की दाल के साथ बहुत अच्छा होता है बेस्ट होता है हाजमा भी करता है साथ अभी सैलड नहीं लेकर आई थी फिर मैं उठी जाके सैलड लेकर आई अपने लिए आ, अभी नहीं उठी शायद अच्छा अभी उठ जाऊँगी तो फिर सैलड भी लेकर आऊँगी तो बस अभी हम खाना खा रहे हैं तो एकदम मुझे फिर याद आया था तो फिर मैं अपने लिए सैलड जो फ्रिज में रखी हुई थी वो ले आई तो यहाँ से मैं अपनी प्लेट में डाल डालूँगी आज प्लेट भी मैंने अपनी बहुत छोटी सी ली इसमें सैलड भी भर दूँगी अभी तो बाकी के सैलड मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब बाकी के लोग जो खाएं तो उनको ताज़ी ताज़ी फ़्रेश फ्रेश मिले और वैसे भी सैलड के अंदर बार बार हार डालना मुझे अच्छा नहीं लगता तो कोशिश मेरी यही होती है अलग से सैलड निकाल के और खाया जाए क्योंकि एक ही प्लेट में हर बंदा हार डाल रहा हो ना मुझसे वो सैलड नहीं खाई जाती और मुझे सख्त घिन आती है तो मैं अपनी सैलड अलग हमेशा से कर लेती हूँ या फिर चम्मच की मदद से किसी भी अलग बर्तन में निकाल के फिर खाएँ तो वो एक अच्छा तरीका है तो अब अचार के बगैर तो मुझसे माश की दाल बिल्कुल नहीं खाई जाती क्योंकि इसका बहुत मज़ा आता है अचार के साथ जैसे अचार के साथ आलू का पराठा खाएं तो मज़ा आता है इसी तरह माश की दाल भी अचार के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है तो वो दही के बैंगन खा रही थी उसे माश की दाल पसंद नहीं है मुझे माश की दाल पसंद है इसलिए मैं ये खा रही थी क्योंकि हमारे घर में जब माश की दाल पके या दही बैंगन पके तो एक दूसरी चीज़ लाजमी साथ बनती है साथ साथ हम बुलबुलें भी देख रहे हैं साथ साथ हम खाना भी खा रहे हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा कमेंट्स भी कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़